महाराष्ट्र में सातवीं और नौवीं क्लास की हिस्ट्री की बुक में मुगल काल का इतिहास गायब हो गया है। महाराष्ट्र सरकार के नए पाठ्यक्रम में इतिहास की किताबों में मराठा इतिहास को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है। इतिहास की किताब में इस नए बदलाव से सूबे में सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के स्कूलों में सातवीं और नवीं क्लास की हिस्ट्री की बुक से मुगल काल के इतिहास को हटाकर मराठा इतिहास को तरजीह दी गई है। मराठा योद्धाओं की वीर गाथाओं और युद्धों में हासिल जीत की घटनाओं से चैप्टरों को भर दिया गया है। इस पर विपक्ष ने सरकार पर हमला किया और कहा कि ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ और शिक्षा का भगवाकरण करने जैसा है। इतिहास को गायब करना, जो हमारे भारत के इतिहास के कुछ पन्ने हैं, आपको चाहे अच्छे लगे चाहे ना लगे, लेकिन उन पन्नों को गायब करना बहुत ही, मैं समझता हूँ कोई भी विकासशील देश ऐसी हरकत नहीं करेगा। एक तरफ हम कहते हैं कि हम बहुत डेवलपिंग, फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है, क्या हम बाहर संदेश दे रहे कौन क्या कपड़े पहनेगा, कौन क्या पढ़ेगा, कौन क्या खाएगा? क्या इस देश की हिस्ट्री को मिटाने की जो कोशिश हो रही है ना, वो गलत हो रही है। मुगल बादशाहों का नाम जब आएगा तो अकबर बादशाह ने हुमायूं से कहा था हुमायूं से कि देखो कोई मंदिर टूटना नहीं चाहिए, कहीं गाय की हत्या नहीं होना चाहिए। जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो लोगों को भरोसा होगा कि हाँ, कि इस देश में मुसलमान राजाओं ने भी अच्छे काम किए हैं। विपक्षी दलों के चाहे जो आरोप हों, सत्ता की साझेदार शिवसेना पाठ्यक्रम में हुए इस बदलाव को सही मानती है। वो अखबार में पढ़ा है उसके बारे में जरूर, लेकिन विनोदजी तावड़े शिक्षण मंत्री महोदय, उन्होंने इसके पहले भी इसी तरीके के जब इश्यूज आए तब स्पष्ट किया था कि इसके बारे में कोई मंत्री निर्णय नहीं लेता है, कोई एक ऑफिसर निर्णय नहीं करते हैं, उसके लिए एक एक्सपर्ट्स की कमेटी रहती है और वो काफ़ी कुछ टेक्स्ट बुक को पढ़ाई करते हुए ये काम सब ये निर्णय लेते हैं। शिक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव और हिस्ट्री बुक में अपग्रेडेशन छात्रों की भलाई के लिए वक्त वक्त पर किया जाना स्वाभाविक है, लेकिन शर्त ये है कि जो नए तथ्य जोड़े जाएं उनका आधार ऐतिहासिक और वैज्ञानिक हो। मनोज भोयर, न्यूज़ बॉल इंडिया, मुंबई।